हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टोफोरोसिस सो बेसिकली टोफोरोसिस क्या है ट्रांसफर ऑफ आयन ऑफ ड्रग्स किसी भी ड्रग्स के आयन्स का ट्रांसफर बॉडी के अंदर थ्रू द स्किन विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट डायरेक्ट करंट करंट की हेल्प से आप बॉडी के अंदर ड्रग्स को इंड्यूस कर रहे हैं स्किन के थ्रू ठीक है नेक्स्ट वॉट इज़ द प्रिंसिपल सो so, आपको ये पता है कि आपके जो आयंस होते हैं वो हमेशा अपोजिट साइड अपोजिट चार्जेस की तरफ माइग्रेट करते हैं ठीक है हमेशा पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करता है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेम यही प्रिंसिपल हमारा आयनट्रोफोरोसिस में अप्लाई होता है सपोज ये हमारा टिशू है ठीक है अब हमने टिशू के अराउंड इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है और अपना ड्रग भी अप्लाई करना है राइट सो so, अगर हमारा जो ड्रग है जो भी मतलब जिसे भी हमें अप्लाई करना है पेन के लिए करना है स्पाजन के लिए करना है तो उसके लिए भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स आते हैं इन्फ्लामेशन के लिए करना है एडिमा के को रिड्यूस करना है या फिर फन फंगल ग्रोथ कम करना है एलर्जिक साइनाइटिस है ओपन लेशन है एनी किसी भी चीज़ के लिए हमें ड्रग अप्लाई करना है उस ड्रग्स के जो आयंस होंगे या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या वो नेगेटिवली चार्ज होंगे सपोज हमारे आयंस नेगेटिवली चार्ज हैं तो हमें क्या करना है उसे टिश्यू में जहाँ पे हमने अपना ड्रग अप्लाई किया देन उसके अराउंड जो हमें इलेक्ट्रोड प्लेस करना है ना उसके पास उसके ऊपर दैट इज़ योर नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्योंकि नेगेटिव आयन्स है नेगेटिव इलेक्ट्रोड हम प्लेस करेंगे देन उसके अपोजिट हमारे पास होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अब क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड उसके अगेंस्ट है तो वहाँ पर जैसे ही हम करेंट अप्लाई करेंगे ना सो तो आयंस का क्या होगा मूवमेंट होगा अपोजिट डायरेक्शन में जो आयन्स होंगे वो माइग्रेट करेंगे सो ऑटोमेटिकली हमारा जो ड्रग है वो पेनिट्रेट कर जाएगा टिश्यू के अंदर क्योंकि उसको मूवमेंट करनी है तो वो टिश्यू उसमें पेनिट्रेट होने लगेगा अपोजिट चार्जेस की तरफ मूव करने लगेगा और जो हमारा गोल है वो हमें अचीव हो जाएगा है ना हमें ड्रग्स को बॉडी में इंड्यूज़ ही करना है और वो हमारा करंट के थ्रू इंड्यूज़ हो रहा है अब इसमें जो हमें अपैरेटस यूज़ होता है उसमें हमें एक लो वोल्टेज जनरेटर यूनिट चाहिए जो आइंटोफोरोसिस के लिए हम यूज़ करेंगे देन हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव और इसमें जो पावर आउटपुट है वो मिली पेयर्स में चाहिए देन पैड्स चाहिए जो लिंट गॉज या स्पॉन्ज किसी के भी हो सकते हैं नेक्स्ट है हमारा फार्मूला ऑफ़ आंटोफोरोसिस यानी कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटांस आपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो आपको ग्राम्स में बताता है कि, कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटांस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है कितना आपका ड्रग इंड्यूस हुआ है बॉडी में दैट इज़ योर आई इंटू टी इंटू ई ई सी ई वेयर आई इज़ योर इंटेंसिटी जो कि आप एम्पेयर्स में लिखते हैं टी इज़ योर टाइम जो आप आर्ट्स में लिखेंगे एंड ई सी ई इज़ योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वलेंसी जो हर सब्स्टांस के आपको गिवन होगी ठीक है अब सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सपो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना है ठीक है सो so, ये आपको मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन में मिल जाएगा इसका फॉर्मूला हम पुट करेंगे I इंटू टी इंटू ई सी वेयर आई जो होगा आपने फाइव मिली एम्पेयर करेंट दिया थर्टी मिनट्स के लिए दिया देन आपका जो इसमें इक्व इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंसी है दैट इज़ जीरो पॉइंट जीरो वन वन फाइव सो इसको आपको कन्वर्ट करना है फाइव मिली एम्पेयर्स करेंट को आपको एम्पियर्स में मैंशन करना है दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फ़ाइव थर्टी मिनट्स को आपको आर्स में लिखना है पॉइंट फाइव आर्स एंड देन ई सी ई को पुट करना है एंड देन आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट जीरो पॉइंट जीरो 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 टू एट सेवन फाइव ग्राम्स सो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि आप कैसे इस एंटीफोरासिस को सॉल्व शॉर्ट आउट करेंगे तो दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रग मैग्नीशियम अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है हाफ आर्स अगर आपने एंटीफोरोसिस परफॉर्म किया है पेशेंट के अंदर ठीक है अब आपके जो आयंस हैं वो अलग अलग आयन और अलग अलग पैथोलॉजी के लिए लाइक पेन के लिए आप हाइड्रोकॉर्टिसोन यूज़ करते हैं है, 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 तो है। है, like, है। लिडोकेन तो है। है। यूज़ करते हैं मैग्नीशियम यूज़ करते हैं सेलिसाइलेट यूज़ करते हैं और जैसे इनमें हर चीज़ क्या तो पॉजिटिव है लाइक सेलिसाइलेट आपका नेगेटिव आयन है लिडोकेन आपका पॉजिटिव आयन है इन्फ्लामेशन के लिए आप हाइड्रोकॉर्टिसोन यूज़ करते हैं डेक्सामेथासोन यूज़ करते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन आपका पॉजिटिव आयन है स्पाजम के लिए आप कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं ठीक है और मैग्नीशियम uh, यूज़ कर सकते हैं ये दोनों ही आपके पॉजिटिव आयन हैं इडीमा के लिए आप मेकोलिल यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ अ पॉजिटिव आयन आयोडीन यूज़ कर सकते हैं अ नेगेटिव आयन मैग्नीशियम दैट इज़ अ पॉजिटिव आयन सेलिसट दैट इज़ योर नेगेटिव आयन ठीक है देन इस्टीमिया के लिए आप मेकोलिल यूज़ कर सकते हैं मैग्नीशियम आयोडीन यूज़ कर सकते हैं मेकोलिन एंड मैगनीशियम आपके पॉजिटिव होते हैं आयोडिन आपका नेगेटिव आयन है कैल्सियफिक डिपोजिशन है तो आप एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ अ नेगेटिव आयन गॉटी ट्रॉफीज़ के लिए आप लिथियम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ अ पॉजिटिव आयन फंगस के लिए आप कॉपर यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ अ पॉजिटिव आयन एलर्जिक साइनाइटिस के लिए आप कॉपर यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ अ पॉजिटिव आयन ओपन लेशन के लिए आप जिंक यूज़ कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव आयन है और ये एक एंटीसेप्टिक है तो आपके लिए हीलिंग को इन्हेंस कर देता है जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट में ये आपको मिलेगा हाइपो या हाइपर इरिटेबिलिटी के लिए आप कैल्शियम आयन यूज़ कर सकते हैं एंड हाइपरहाइड्रोसिस uh, के लिए आप टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं विद अल्टरनेटिंग पोलैरिटी एंड स्कार्स या अधेसन है तो यू कैन यूज़ फॉर क्लोरीन आयोडीन सेलिसाइलेट ये सब नेगेटिव आयन है नेक्स्ट है इसके इंडिकेशन सो फर्स्ट इंडिकेशन है इसे आप पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं और इसे दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है कैथोडल गैल्बेजम एंड एनोडल गैल्बेज्म कैथोडल गैल्बेजम में क्या होता है कि आप जो इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो आपका कैथोड होता है यानी कि जो अफेक्टेड एरिया में आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ योर कैथोड इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिससे आपका एक काउंटर इरेटेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जो कि आपका वैसोडाइलेशन uh, कराता है और जो भी पेन फैक्टर है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है एंड इट विल लीड्स टू रिलीव योर पेन नेक्स्ट जो आपका एनोडल गैल्बेज़म है इसमें भी आपका जो पेन है वो काफ़ी रिलीव होता है क्योंकि इसमें जो आपका हाइड्रोजन दैट इज़ एच प्लस आयन एंड पोटेशियम दैट इज़ और के प्लस आयन इनका जो कंसनट्रेशन uh, जो आपके इन्फ्लामेशन याश्चिमिक एरिया में इंक्रीज हो चुका है जो एक्यूमुलेट हो चुका है ये उसको रिमूव करने में हेल्प करता है सो so, ये जब आपका एच प्लस और के प्लस एन के कंसनट्रेशन को रिमूव कर देता है एक्यूमलेटेड एरिया से तो अल्टीमेटली आपका जो पेन है वो रिड्यूज़ हो जाता है नेक्स्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं अधीशन को कम करने के लिए और जिसमें ड्रग है दैट इज़ योर रिनोटिन ये आपका एक हिस्टम डेरिवेटिव है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एंटोफोलोसिस में यहाँ पर भी आपको काउंटर इरीटेशन प्रोड्यूस होगा और तीन रिस्पॉन्स मिलेंगे एक तो आपका हीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर राइज होगा वहाँ पे सेकेंड थिंग आपका वेजो डाइलेशन होगा एंड थर्ड वन इज़ वेल यानी कि जो स्किन सरफेस है उसमें थोड़ा सा एलिवेशन दिखेगा सो so, जो आपके लिगामेंटस और टेंडीनियस एडिशंस है वहाँ पर आप एंटोफोरोसिस यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट आपका है क्रोनिक कंजेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें आप जिंक सल्फेट को ट्रांसफ़र करते हैं एंटोफोरोसिस के थ्रू जिसमें जो आपका कंजेशन है नेजल मेम्ब्रेन में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रोनिक कंजेशन है तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है बहुत ही मतलब काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं जो राइनाइटिस या हे फीवर वगैरह से सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट आपका कैल्शियम डिपोजिशन के लिए भी एंटोफोरोसिस को यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड एसेट को हम ट्रांसफ़र करते हैं इसमें ये आपके पेन को भी रिलीफ करता है और जो कैल्श जो कैल्शियम डिपोजिशन है उसके साइज़ को भी रिड्यूस करता है नेक्स्ट अगर आपका किसी तरीके का इडियोपैथिक हाइपर है ठीक है उस केस में आप ग्लाइकोपायरोनियम ब्रोमाइड ब्रोमाइट यूज़ कर सकते हैं और जो आपका एक्सेसिव स्वेटिंग होती है हाइपर उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है लोकल एनेस्थीसिया के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है लाइक प्रोकेन लिग्नोकेन ये ये ड्रग्स यूज़ करते हैं जिसमें लोकल एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट हमें मिलता है नेक्स्ट यू कैन यूज़ एंटीफोरोसिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंटीबाटिक्स के एप्लीकेशन के लिए भी आप एंटोफोरोसिस को यूज़ कर सकते हैं कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है तो आप उसमें मेटालिक सिल्वर अप्लाई कर सकते हैं कोई क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर है तो उसमें आप जेंथिन ऑयल निकोटिनेट यूज़ कर सकते हैं ये एक तरीके का कैपिलरी डायलेटर होता है तो ये जो भी आपका नॉन हीलिंग आल्सर है उसको रिड्यूज़ करने में हेल्प करता है इडीमा के रिडक्शन के लिए भी आप एंटोफोरोसिस यूज़ कर सकते हैं इसमें जो आप ड्रग यूज़ करते हैं दैट इज़ योर हायर ये किसी भी तरीके का एक्यूट या क्रोनिक इडीमा उसे ट्रीट करता है क्योंकि जो फ्लूड का एब्जॉर्प्शन है ना ये उसे बढ़ा देता है स्किन में से और जो आपके सापकोटेनियस टिश्यूज़ हैं वहाँ से तो जो आपका एडिमा होता है वो अल्टीमेटली रिड्यूज़ होने लगता है नेक्स्ट आप इसको एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जैसे टेंडीनाइटिस है बर्साइटिस है नेक्स्ट इसके कुछ अदर यूजेस हैं जैसे क्रोनिक वून हीलिंग के लिए आप जिंक यूज़ कर सकते हैं स्कार की एक्सटेंसिबिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप आयोडीन या क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं फंगल ग्रोथ है तो आप कॉपर यूज़ कर सकते हैं पेन के लिए सेलिसाइलिट्स यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ओपन स्किन है ओपन स्किन लेशन है कोई बोन है इन्फेक्शन है बोनी लेशन है सेंसेशन लॉस है या फिर ड्राई स्केली स्किन है या फिर प्रेगनेंसी है इन किसी भी केसेस में आप एंट्रोफोरोसिस यूज़ नहीं कर सकते डेंजर्स की बात करें तो आपको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है शॉक लग सकता है बर्न हो सकता है स्किन में इरिटेशन है अगर मतलब हाइपर सेंसिटिव स्किन है तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ये कई बार सिस्टमिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है जब आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं विस्टामिन वगैरह सो दिस आर द डेंजर्स दिस सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई एंटोफोरोसिस होप यू गाइस लाइक द वीडियो मेरी वॉइस पे मत जाना आई एम इन फास्ट सो बाय बाय टेक केयर